दोस्तों नमस्कार। काफी ज्यादा एनर्जी आप लोगों में, अच्छा लगा सुन करके। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था और साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, डीजे ऑपरेटिंग करता था। उस टाइम पे पता चला इस चीज के बारे में मुझे, लेकिन शुरुआत में खैर विश्वास हो नहीं रहा था क्योंकि ऐसा आदमी के माध्यम से पता चला था जो मेरा खुद का ही दोस्त था। बस यही चीज बोला था कि 8-10 हज़ार रुपये लगाना है, 2 ज्वाइनिंग कराना है और महीने के 10-12 हज़ार रुपये कमाना है। इसमें भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। इस चीज को फिर करना स्टार्ट किया। खैर शुरुआत करने में बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने जो ग्रेट सिंगर राकेश रजक सर, वो मेरा बार बार फॉलोअप किए, तब जा करके मेरे को समझ में आया क्या से मुझे मिल क्या सकता है। सारा चीज देखने के बाद क्लियर हुआ। 3 दिन में DD अमाउंट कंप्लीट किया, फिर इसी के साथ में काम करना चालू किया दोस्तों। लेकिन इसके साथ में शुरुआत में तो कोई सवाल पूछा ही था ही नहीं, मैं तो मेरा सवाल और बढ़ते गए। बाद में डाउटनेस जो था धीरे धीरे कर सब क्लियर होते गया। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेनिंग होता था मैं आता था, लेकिन होता क्या था ना, जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग ज्यादा डेडिकेट नहीं रहते हैं, है कि नहीं? वैसे ही मैं भी जब भी ट्रेनिंग में आता था आधा घंटा बैठता था, कॉल आता था मेरा, मैं चल जाता भाई आता डीजे बजाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता था कि सर लोग फोन करते थे और मेरी मम्मी भी फोन करती थी कि सीनियर आए हुए हैं, सर आए हुए हैं करके, तो मेरे को ऐसा लगता कि मेरे भी नहीं लोगों क्या काम नहीं हो पाएगा क्या। लेकिन रियल में दोस्तों फिर जब मैं सीनियर से मिलता था ना, तो मुझे पता चलता था इनके बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा। फिर काम करना चालू स्टार्ट किया, सीनियर की मदद से ढेर सारा टीम बना, काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि छोटी छोटी गलतियों के कारण एक मेरे साथ ही बहुत मतलब कि ऐसा दुख लगा, क्योंकि धीरे धीरे करके मेरा टीम खत्म स्टार्ट होना हो गया था। और फाइनली मेरे साथ में सिर्फ मेरी एक ही एसोसिएट थी दुर्गा जी, फिर हम दोनों ने मिलकर काम किया। टीम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। फिर से बाउंस बैक किए, काम स्टार्ट करना चालू किए। दोस्तों सीनियर का पूरा सपोर्ट रहा, जैसे कि मैं सीनियर की बात करूँ, रमला मैडम है, दिलेश्वरी मैडम, रेनी सर है, राकेश रजक सर है, इनके माध्यम से आज लगभग 70 से ज्यादा लोगों का टीम साइज हो गया दोस्तों। और मैं ये जो अच्छा लगता है कि मतलब कि इतने ढेर सारे सीनियर फैमिली जैसे ही हैं, जो हम लोग की सबसे सीनियर मैडम है रमला मैडम, उनके साथ जब भी मैं फील्ड में जाता था तो लोग जो है, हालांकि हम लोगों का बिजनेस सीनियर जूनियर अपलाइन डाउनलाइन का होता है, लेकिन हर कोई बोलता था कि आपकी मम्मी है क्या, बोलता हाँ मम्मी है, उनको ही बोलते कि आपका बेटा है क्या, तो हाँ बेटा ही है करके। तो इस तरीके से मिल करके मस्त काम करना चालू स्टार्ट किए और ढेर सारे टीम भी आई। और दोस्तों कहीं ना कहीं आज मेरा सिल्वर से जो सोमवार को ही कम्प्लीट हो गया था, और मेन क्या है, मैं आज रिकॉग्निशन लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमारे जो सीनियर है राकेश रजक सर, मैं चाहता था कि जब उनका ट्रेनिंग हो ना तब मैं लूँ करके। सिर्फ राकेश सर से ही बात किया था तो बोले कि नहीं यार, कभी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए अभी भी अच्छी खबर को लेट नहीं करना चाहिए। इसलिए आज मैं यहाँ पे स्टेज में हूँ और मैं आज तक आप लोग जितना आज दिन भर में जितना ताली नहीं बजाया हुआ ना, उससे कहीं ज्यादा ताली होनी चाहिए अपने ग्रेट सीनियर्स के लिए। क्योंकि इस काम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, फॉर्म वही फिलअप कराई थी जबरदस्ती में, मैं बोला कि चल मैं तो करूंगा ही, तू ही करेगी, तू फॉर्म भर, तू पैसा दे, मेरे को क्या करना है, मैं बाद में नहीं करूंगा, जाऊं मेरे तो काम कहां से होगा। फिर मैं हुआ क्या था, फिर मैं समझने लगा कि इस काम करना क्यों जरूरी है। तो जब भी कई बार ऐसा होता था कि इस काम को मैं ना करूं, कई बार ऐसा मन में आया कि इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लेता हूं करके, ऐसा बीच बीच में ऐसा कभी लगा था कि हार मान लू करके, लेकिन फिर याद आता था कि यार बहुत सारे ऐसे लोग है ना जिनको गलत साबित करना है, इसलिए फिर से फील्ड में निकलता था। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब कि मन में लगा था कि करूं या ना करूं करके, इसीलिए मैं शुरुआत में डिसाइड ये कर लिया था यार पढ़ाई करना ही नहीं करके, क्योंकि जब यहाँ पे काम चालू किया मैं देखा कि ढेर सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन लोग तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं उसके बाद भी कर रहे हैं, तो मेरे कई बार ऐसा लगता कि मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया। फिर उसी टाइम पे फिर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ही था, हालांकि मैं फेल हो गया था उसमें, डिग्री में ले लिया ना तो कम से कम मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं नौकरी कर लूं करके, इसलिए मैं पढ़ाई खत्म कर दिया।
लेकिन इसलिए खत्म किया, इसलिए नहीं करने का सोचा क्योंकि अपने पर पूरा भरोसा था। क्योंकि मेन क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत तब आया, बाहरी लोगों से कोई दिक्कत नहीं आया, कोल्ड कॉलिंग के कोई दिक्कत नहीं है, लोग माना के कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम समझ तो रहे करके। सबसे बड़ा दिक्कत आया कि खुद के रिलेशन, खुद के घर वाले लोग माना कर दिए, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत आया। अभी क्या, बीच में अपने फैमिली लोगों के पास गया था, उनको मैं बोला कि चलो शुरुआत करते हैं, और तो शुरुआत किए नहीं, लेकिन बाकी लोग को मना कर देते थे करना मत करके। मैं जाता था फील्ड में उनके यहाँ, वो लोग ऐसा बोलते थे कि जा रहा प्रवीण जा रहा तो आप लोग करना मत करके, फालतू काम तो नहीं करके, फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं करके, कैसा टाइम आएगा कि आप लोग घर अपना खुद का ड्यूटी घर पहुंचाने आओगे। और मैं क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज तब लगा ना, बोले कि देख प्रवीण देख, आज का डेट कितना है, 20 मई 2018, तू 5 साल की बात कर ना, 5 साल की बात 2023 मिलते हैं, 2023 में मिलते हैं, उस टाइम में बात करना करके। मैं बोला बिल्कुल जरूर करके, 2023 को 2020 करेंगे, चलेगा? Yes! बोला चलेगा 2020 में। और सबसे ज्यादा थैंक यू मेरे सीनियर्स का कि हमेशा समय समय पर जब भी जरूरत पड़ता है हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने एसटीपी ग्रेड सिस्टम को, अपने मरकरी लीडर मिस्टर राकेश जायसवाल सर है, और अपने विजनरी डायमंड विनय कौशल सर है, उनको देख करके हमेशा इसलिए मोटिवेट होता हूँ कि हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा ये चीज हर किसी में है। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं अपने सभी सीनियर को थैंक यू बोलना चाहूंगा सबसे ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मुझे, थैंक यू। चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से एक फिर गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, लेकिन यूरोप वाली आग आग लगनी चाहिए। दोस्तों इस जीवन का ध्येय नहीं है शांत भाव में टिके रहना, इस जीवन का ध्येय नहीं है शांत भाव में टिके रहना, बल्कि पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। इसके बाद मैं आप सभी के चहेते विकास साहू जी को मंच में आमंत्रित कर बुलाना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए।